हमें चेक करना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हम क्या करेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाएगा पूरा 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 डिवाइड होने का मतलब क्या, कुछ रिमाइंडर नहीं आया, तो हम कहेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है 3x4। एक्स स्क्वायर को अगर आप 3x4 से डिवाइड, 3x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, 3x2। मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 3x2 आ गया 3x4। यही मुझे करना है, पहली टर्म पूरी की पूरी कट जानी चाहिए। 3x को 3x2 से मल्टीप्लाई कर 9x³। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करा तो 3x2। अब क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को फर्स्ट में से माइनस कर दो, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये कट गया पूरा का पूरा। 5x³ माइनस 9x³, ये क्या आ गया, माइनस 4x³ माइनस 10x², ऊपर से लिख दिया प्लस 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करा माइनस 4 से, एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 4x³। 3x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 12x². 1 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4x। ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये प्लस हो गया, ये क्या आ गया, 2x², फिर ये प्लस हो गया, ये क्या आ गया, 6x, फिर आखिरी में लिख दिया प्लस 2, ये नीचे उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² आए, अगर आप एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x², ठीक है। फिर आप इस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस 6x। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2। जब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे तो साइन माइनस हो जाएंगे सारे, कट गया कट गया कट गया, सारा कुछ कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल।